सो लर्निंग विल बी लाइफ लॉन्ग और दूसरा हमारा बड़ा नोशन ये है कि लर्निंग जो है वो ख़त्म ना हो जाए आप चार लफ्ज सीख के उसको ख़त्म ना कर दें बल्कि लाइफ लॉन्ग हो सारी उम्र इंसान कुछ ना कुछ सीखता रहे क्योंकि सीखना ही जिंदगी है सो अटैचमेंट टू पेरेंट्स अब एक बात इसके अंदर ये आ गई कि जब हम आई की बात करते हैं तो आई में लर्न करना लाइफ लॉन्ग लर्न करना आसान है लेकिन क्या जब हम अर्ली चाइल्ड में अपने बच्चों को आईसीटी से के साथ नती कर देंगे उसको दिखा के आ, बिठा देंगे कि जी ये आप टैब पे बैठ जाओ या कंप्यूटर पे तो वो टाइम जब पेरेंट्स के साथ सर्व कर रहा था और उनसे वो हक़ कुछ सीख रहा था कुछ जैसे अभी हमने मॉरल वैल्यूज़ की बात की मॉरल वैल्यूज सीख रहा था तो अब उसकी अटैचमेंट वहाँ से कम हो गई और ये चीज़ क्वेश्चन हो रही है अ न्यू बेसिस इज इमर्जिंग अब देखिए दोनों चीज़ों को अलाइन करना ज़रूरी है एक तरफ वो हमारी पेरेंट्स और माशरे के साथ अटैचमेंट और दूसरा ये कि क्या टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है दोनों में हम किस तरह से मुताबिकत ला सकते हैं सो टेक्नोलॉजी विल बी द सेंट्रल पार्ट फॉर ऑल लर्निंग लेकिन अब ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी जो है वो हमें ये बता रही है कि टेक्नोलॉजी ही को आप किसी ना किसी तरह अपने सारी लर्निंग में शामिल रखेंगे आप इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते मतलब अब अगर कोई टेक्नोलॉजी से बच के कुछ सीखना चाहेगा तो ये मुमकिन नहीं सो द फोकस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट कॉलेज इज चेंज इस वजह से जितने हमारे करिकुलम हैं खा वो हमारे पब्लिक हैं खा वो हमारे प्राइवेट हैं जितने हमारी इंस्टीट्यूशन थे वो सारे अब अब बदल गए हैं उनमें लैब्स आ गई कंप्यूटर लैब्स आ गई हैं अब तो आपके जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहाँ पर सब जगह पे कंप्यूटर लैब इस्टेब्लिश कर दी गई हैं आपके जो अर्ली चाइल्ड हुड के क्लासरूम हैं वहाँ भी कंप्यूटर फैसिलिटी दे दी गई है यानी अब हम इसका एक हिस्सा हैं तो कैसे हमने मैनेज करना है अपने उन सवालों को सो so, सबसे पहले तो हम ये कह रहे थे कि जब आप ये सारी चीज़ें uh, मुतारफ़ कराएंगे इंट्रोड्यूस कराएंगे तो हर हर ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज़ द स्कूल और अ कॉलेज और वट एवर तो जो भी हैं उनको अपने फ़रज़ अंजाम देने हैं उनको भी सोच समझ के चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाना है नंबर वन लाइफ पाथवेज एंड सोशल फीचर्स आपने देखना है कि हम हम अपने कॉन्टेक्ट्स में किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं मसलन हम हमने अपने कल्चर को भी तो सस्टेन भी करना है रिटेन भी करना है अगर हम टेक्नोलॉजी को इस तरह से इस्तेमाल करें कि हमारे बच्चे बाहर के कल्चर से मुतासर हो जाएं या ऐसा कुछ करने लगें जिससे हमारे अपनी जो शनाख्त है आइडेंटिटी है वो ख़तरे में पड़ जाए तो हम ये नहीं कर सकते कम्युनिकेशन मीडिया हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं और अगर हमें देखते हैं कि इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है तो क्या हमारे बच्चे उस पर भी कमांड रखते हैं और उनको किस हद तक ज़रूरत है कम्युनिकेट करने की और हम चाहते हैं कि वो एक्टिव सिटीजन सिटीज़न भी हों क्योंकि अगर वो बाखबर नहीं रहेंगे अपने इर्द गिर्द के हालात के बारे में तो ज़ाहिर है वो अपने फराइज को भी पहचान नहीं पाएंगे एंड फाइनली एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजीज हमारी टेक्नोलॉजी को हमारे एनवायरनमेंट से मेल खाना चाहिए ये एनवायरनमेंट सिर्फ कल्चरल एनवायरनमेंट नहीं है सोशल एनवायरनमेंट भी है और फिजिकल एनवायरनमेंट भी है तो हमें टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना है हमने शुरू में कहा कि हमने इसको हार्नेस करना है काबू करना है ना कि उसके पीछे हमने बुरी तरह से उसको ऑप्ट कर लेना है सो फोर बेसिक एरियाज ऑफ एजुकेशन फॉर आर गिवन फॉर अटैचमेंट ऑफ पेरेंट्स के आप टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस करवाएं इसके साथ साथ आप पेरेंट्स की भी हैसीत को ख़त्म ना करें बल्कि आप उनको भी शामिल करें इसमें नंबर वन इज़ इंटेलेक्चुअल क्वालिटी जो कुछ बच्चों को दिखाया जा रहा है टेक्नोलॉजी पे uh, मतलब घरों में कार्टून बच्चे अब छः छः घंटे चार चार घंटे देख रहे हैं कोशिश करें कि वो इंटेलेक्चुअल क्वालिटी या जो आप समझें जो आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स आप उनको देना चाह रहे हैं वो वही कॉन्सेप्टों क्वालिटी कॉन्सेप्टों हर खराब चीज़ को वो ना देखें देन इज कनेक्टेडनेस इसके बावजूद के आप टेक्नोलॉजी पे उनको काफ़ी वक्त दे रहे हैं आप उनके साथ कनेक्ट रहे हैं बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ मिल के कोई एजुकेशनल वीडियो या कोई कार्टून देख रहे हैं तो उनको उनके साथ साथ एक्सप्लेन करते चला जाना चाहिए ये बताने के लिए कि कौन सी चीज़ें ठीक हो रही हैं और कौन सी चीज़ें गलत हो रही हैं ऐसे बहुत से कार्टून हमारी नज़र में आए हैं जहां बच्चे सिर्फ मिसचीवियस एक्टिविटीज़ करते हैं कि जिसमें वो खराबी ही पैदा करते चले जा रहे हैं और बच्चे उसको मुसलसल देख के फिर ज़ाहिर जैसे हमने अर्थ किया उनका तो काम है इमिटेशन करना वो उठ के फिर वही खराब काम करना शुरू करते हैं या अगर वो स्पाइडर मैन जो है वो ऊंचा जंप लगाता है तो वो भी उठ के कोई ऐसा जंप लगाएंगे जो उनके लिए खतरे का बायस होगा तो वालदेन की गाइडेंस और कनेक्टिडनेस साथ, साथ जरूरी है देन सपोर्टिव क्लास जब यही एटमॉसफेयर हमारा क्लास का होता है तो वहाँ भी हमने उनको सपोर्ट भी करना है गाइड भी करना है और उनके लिए ऐसा एन्वायरमेंट देना है जहां टेक्नोलॉजी को पॉजिटिवली इस्तेमाल किया जाए और नेगेटिविटी से हम बच जाए एंड देन रिकगनीशन ऑफ डिफरेंस द फाइनल वर्जन इज दैट वी नीड टू टेल अवर स्टूडेंट्स वी नीड टू टेल अवर चाइल्ड वट इज़ राइट एंड वट इज़ रॉन्ग ये सही गलत का तस्वर हमने उसको आम जिंदगी में ही नहीं देना बल्कि जो कुछ वो टेक्नोलॉजी के थ्रू जान रहा है उसमें भी देना है